गाइज फाइनली काफी दिनों के बाद हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर एक नया अपडेट आने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारे नए नए बंडल्स देखने को मिलेंगे। और फिलहाल आप लोग जितने भी बंडल्स देख रहे हो मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर, इनमें से 10 बंडल यहाँ से रिमूव होने वाले। कौन कौन से बंडल्स रिमूव होंगे उसके बारे में तो मैं आप लोग को वीडियो के आगे बताऊंगा ही, साथ ही साथ आप लोग को 10 कौन कौन से नए बंडल्स आने वाले उनका फुल रिव्यू भी करवाने वाला हूँ। और ये ना भाई ऑफिशियली कन्फर्म भी हो चुका है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो सिंपली से आप लोग को जाना है इवेंट वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आप लोग को न्यूज़ वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। और यहां पर ऑफिशियली फ्री फायर वालों ने सारे बंडल्स का नाम भी मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग चाहो तो इन सारे नाम को पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को नाम से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आज मैं आप लोगों को एक-एक करके सारे बंडल्स का फुल रिव्यू करवाने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। और गाइस साथ ही साथ हम लोग फ्री मैजिक क्यूब के ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जब भी हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर कोई भी अपडेट आता है फ्री फायर वाले हमें फ्री का मैजिक क्यूब भी देते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है फ्री फायर के नए प्लेयर्स के पास मैजिक क्यूब नहीं होता है तो वो लोग बंडल्स को कैसे एक्सचेंज करेंगे। इसी वजह से वो लोग फ्री का मैजिक क्यूब देंगे, जिससे आप लोग बंडल को एक्सचेंज कर पाओगे। तो फ्री मैजिक क्यूब कब मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ध्यान से वीडियो को देखते रहना। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे याद से सेट कर लेना। चलो यार करते हैं फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिमूव होने वाले बंडल्स के बारे में। देखो मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर टोटली 20 बंडल्स अभी अवेलेबल है, जिसमें से 10 बंडल को रिमूव किया जाएगा और उन्हीं 10 बंडल्स के बदले आप लोग को नए नए बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन से बंडल्स रिमूव होंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे कि देखो ये वाला बंडल रिमूव होने वाला है, ये वाला बंडल रिमूव होने वाला है, ये बंडल भी रिमूव कर दिया जाएगा, और गाइस साथ ही साथ ये वाला बंडल भी रिमूव कर दिया जाएगा। और भी यहां पर काफी सारे बंडल्स रिमूव किए जाएंगे, मतलब टोटली 10 बंडल्स रिमूव होने वाले। अगर आप लोग को पूरी तरीके से देखना है तो यहां पर नाम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग को सिंपली से इवेंट वाले सेक्शन के अंदर आना है, न्यूज वाले सेक्शन के अंदर आना है, और नीचे में आप लोग ये जो 10 नाम देख रहे हो ना, इन 10 नेम को आप लोग अच्छे से नोट कर लो। और गाइस यही सारे बंडल्स वहां से रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक बार और दिखा देता हूं, रिडीम वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ये बंडल रिमूव होने वाला है, ये भी रिमूव होगा, ये और गाइस ये और उसके बाद ये वाला बंडल, ये बंडल, मतलब यहां से टोटली यहां से आप लोग को 10 बंडल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते कि भाई कौन कौन से नए नए बंडल्स आने वाले, तो उसके बारे में भी फ्री फायर वालों ने हमें यहां पर मेंशन करके बता दिया है। उनके नाम यहां पर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। चलो मैं आप लोग को एक एक बंडल को फुल रिव्यू करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहला बंडल कुछ इस टाइप का होने वाला है, इसका नाम है हीटेड क्रस्ट बंडल, और ये दिखने में काफी सही सा लग रहा है। इसको आप लोग अलग अलग करके भी पहन सकते हो, तो काफी अच्छा सा बंडल है ये, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर। और गाइस साथ ही साथ आप लोग इसका फीमेल का बंडल भी देखने को मिलने वाला है, ये भी लुक वाइज काफी सही लग रहा है, इसको भी आप लोग अलग अलग करके पहन सकते हो, तो काफी अच्छा सा बंडल लग रहा है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद गाइस आप लोगों को ये वाला फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, ये हमें बहुत पहले डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिला था और 2-3 बार मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर भी आ चुका है, तो ये उतना कुछ खास बंडल नहीं है, पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्रेजी पांडा का बंडल मिलेगा, भाई ये बंडल काफी ज्यादा बढ़िया मुझे लगता है, और ये बहुत पुराना बंडल है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला निकालना है तो निकाल लेना, नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर ये आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को ये वाला बंडल देखने को मिलने वाला है, ये बंडल भी गाइस काफी मस्त बंडल लगता है, ये भी काफी पुराना बंडल है, तो अगर आप लोग चाहो तो इस बंडल को भी निकाल सकते हो, ये भी हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर पहले भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसी का फीमेल वाला बंडल देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप का है, इसके मुंह पे थोड़ा सा अजीब सा बनाया गया है, लेकिन काफी सही लग रहा है, अगर आप लोग चाहो तो इस बंडल को निकाल सकते हो। उसके बाद आता है ये फीमेल का बंडल, और गाइस जो भी लड़की है ना उनको ये वाला बंडल काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा सा बंडल है, तो ये बंडल भी आप लोग को नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप लोग को ये वाला बंडल मिलने वाला है, जो कि थोड़ा सा सही लगता है, मतलब उतना भी मुझे परफेक्ट नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल सा बंडल है, और इसी का आप लोग को फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा, ये भी गाइस काफी नॉर्मल सा है, तो ये वाला फीमेल का बंडल मिलेगा। और लास्ट में गाइस आप लोग को मिलने वाला है ईगल ऑफ द डार्क बंडल, ये बंडल भी गाइस काफी अच्छा लगता है, और ये भी आप लोग को नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर मिलने वाले। तो इतने सारे बंडल्स आप लोग को नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर मिलने वाले, टोटली 10 बंडल्स मिलेंगे और 10 बंडल रिमूव होने वाले, जो कि मैंने आप लोग को फुल रिव्यू करके दिखा दिया। वैसे इन 10 बंडल्स में से कौन सा बंडल आप लोग को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, कौन सा बंडल अच्छा लगा, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और गाइस ये आप लोग को 26 जून को देखने को मिलने वाला है, 26 जून को हमारे गेम के अंदर OB45 का अपडेट आने वाला है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा गेम अपडेट के अंदर। 26 तारीख को फाइनली न्यू पैच अपडेट आने वाला है, और उस दिन जैसे आप लोग अपने गेम को अपडेट करोगे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर आप लोग को नए नए बंडल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप लोग मैजिक क्यूब से आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं, काफी सारे लोगों के पास मैजिक क्यूब नहीं होता है, तो फ्री फायर वाले आप सभी को फ्री का मैजिक क्यूब भी देने वाले। देखो हर टाइम वो लोग ज्यादातर टाइम तो ऐसा ही करते हैं, जब भी हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट आता है वो हमें फ्री का मैजिक क्यूब देते हैं,
लेकिन इस बार देने का बहुत ज्यादा चांस है, मुझे लगता है कि 100% चांस है, क्योंकि अपडेट के बाद 7th एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है और 7th एनिवर्सरी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, तो उस टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री का मैजिक क्यूब मिलेगा। लेकिन हाँ, 26 जून को हमारे गेम के अंदर अपडेट है, तो उस दिन आप लोगों को मैजिक क्यूब फ्री का नहीं मिलेगा, लेकिन मैजिक क्यूब स्टोरी के अंदर आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएंगे, नए नए बंडल्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मैजिक क्यूब है ना, वो आप लोगों को 7th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर मिलने वाला है और 7th एनिवर्सरी का इवेंट 27 जून से स्टार्ट होगा, तो हो सकता है 30 जून को या फिर नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को फ्री का मैजिक क्यूब मिले। ठीक है, अगर फ्री मैजिक क्यूब का एग्जैक्टली डेट मुझे कंफर्म पता चलता है तो मैं आप लोगों को तुरंत ही वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन इस बार आप लोगों को फ्री का मैजिक क्यूब जरूर मिलेगा, क्योंकि 7th एनिवर्सरी का इवेंट आ रहा है और 7th एनिवर्सरी का इवेंट एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और उसके अंदर हमेशा फ्री फायर वाले फ्री का मैजिक क्यूब देते हैं, तो इस बार भी आप लोगों को फ्री का मैजिक क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो बाकी बस गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय।